गाइज वी हैव फाइनली रीच श्रीनगर। ये पीछे मेरे देखो डल लेक दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ के सामने की मार्केट है, तो इसी में हमारा कहीं बोट हाउस है। अभी हम लंच करने जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे शिकाराज होती हैं ये पकड़ के अपने बोट हाउस पर जाएंगे। तो यार मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग है। हम बस ये देखो यार भाई साहब, अलग ही माहौल, झैंकी माहौल, इतना सुंदर। मतलब श्रीनगर की अपनी अलग बात है यार। ये मार्केट है पूरी, ये देखो। तो फटाफट हम जाते हैं अभी कुछ लंच वंच करके, निकलते हैं अपने होटल की तरफ, मिलता हूँ तुमसे मैं वहाँ। तो गाइज हमने फाइनली शिकारा करी है अपने बोट हाउस में जाने के लिए। हमसे इन्होंने 150 लिए हैं, हमारे होटल वाले ने तो हमें 100 रुपये कहा था, बट 150 कोई नहीं, वहाँ पर लगेज भी था काफ़ी, तो हम वो लेके भी जा रहे हैं। मतलब अलग से एक्सपीरियंस है, ये मैंने पहले कभी फील नहीं किया था, तो मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ से डल लेक है, दिख रहा है, तो आगे बहुत सारी इसमें मार्केट लगती हैं। तो उन्होंने हमने इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि अलग अलग राउंड्स होते हैं, 4 राउंड 8 राउंड, उसके अलग अलग पैसे होते हैं, आपको पूरा घुमाते हैं, बड़ी लेक वहाँ बड़ी डल लेक और सेट भी ले जाते हैं, वो सब कुछ दिखाते हैं। तो बस हम जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने, एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा श्रीनगर और डल लेक। सी यू सून। ये देखो यार, ये है देखो अलग अलग यहाँ पे लाइन से बोट हाउसेस बनी हुई हैं। तो आप ये देखो, उन्मेश भाई को थोड़ा फोबिया पानी का, फिर भी भाई जैसे तैसे बैठे हैं इसमें। और वो सामने देखो, ये और भी पूरी मार्केट है यहाँ पे, अलग अलग शिकाराज हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। आपको आपने जो बुक किया बोट हाउस, आपको वहाँ पे ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। ये देखो जैसे यहाँ पे साथ में डीलक्स शिकाराज भी होती हैं, जैसे यहाँ पे सामने बंदे सिटिंग कर रहे हैं, कैफेज वैफेज, खाने वाने पीने के लिए सब कुछ है इसी के अंदर ही है। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, आज हम ये एक्सपीरियंस करेंगे, देखते हैं। तुम बताओ अगर तुमने कभी शिकारा राइड ली है, कैसे कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो ये दोनों भाई बिजी हैं अपना फोटो खिंचवाने में, मैं भी खिंचवाऊंगा थोड़ी देर बाद, तुम कॉमेंट करके बताना तुम्हें बेस्ट क्या लगा। सो गाइस फाइनली हम निकले हैं शिकारा राइड के लिए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की राइड्स होती है, जैसे 6.4 पॉइंट 8 पॉइंट 12 पॉइंट, और एक चिनार पॉइंट करके होता है, वो काफ़ी लंबा होता है। तो हमने 8 पॉइंट राइड ली है, जो कि हमें 3000 के अराउंड कॉस्टिंग पड़ी है इसकी। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स आती हैं, जैसे फ्लोटिंग मार्केट आती है, फ्लोटिंग लैंड आता है, मीना बाजार आता है, तो वो सब दिखाया जाता है। तो अभी देखो मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ पे बोट में बैठे हैं, एंड इसके पीछे देखो ये सारे बोट हाउसेज हैं, ये आगे भी हैं पीछे भी हैं। तो अभी इसका पूरा 1.5 आवर्स लगता है इसको, 1.5 to 2 आवर्स। अब बीच में रुक के बाज़ार जो आता है, शॉपिंग भी कर सकते हो, उसका टाइम इंक्लूड नहीं होता बोट राइड में, उसके लिए अलग से आप अपना जितना मर्जी चाहे उतना आधा घंटा 1 घंटे इन्जॉय कर सकते हो। बहुत सारे रेस्टोरेंट आते हैं, कैफेज़ आते हैं, तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे आपको मैं वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू देता रहूँगा। फिलहाल थोड़ा राइड इन्जॉय करते हैं, एंड मेरे साथ तुम भी इन्जॉय करो। इसका नाम है गुलफाम लेक, उधर वो 92 में एक सीरियल बन गया था, गुलभूषण गुलफाम, पूरा टीवी सीरियल जो था ना इधर ही शूट हुआ था। अच्छा, तो ये है गुलफाम लेक। तो गाइस इसे गुलफाम लेक कहते हैं, यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले एक सीरियल बना था। और ये देखो साथ में यहाँ पे ना मार्केट चलती रहती है, तो ये फ्रूट चाट मार्केट है, हम यहाँ पे भैया से फ्रूट चाट लेने वाले हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे बोट के ऊपर ये फ्रूट चाट अंकल बेच रहे हैं, हमने एक प्लेट लगवाई अपने खाने के लिए। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मोस्टली सारी मार्केट ऐसी फ्लोटिंग चलती रहेंगी, एंड आप यहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हो, खा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। इस सामने देखो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, भैया ने बताया कि ये वर्ल्ड में एक ही है पोस्ट ऑफिस, और हाउस बोट के अंदर है, इकलौता पोस्ट ऑफिस है, जीके के 100 पेपर में भी आ जाता है, तो याद कर लेना। तो मेरे साथ में मैं नॉलेज भी दे रहा हूँ वीडियो के साथ साथ। और देखो अभी सामने हम पहुँच रहे हैं, वहाँ पे एक पार्क है, उस पार्क को क्या कहते हैं? सामने जो है आपको जो दिख रहा है वो है नेहरू गार्डन, तो यहाँ पे जाके बोट से आप जाके बैठ सकते हो। अच्छे से तो यहाँ पे जाके आप बैठ सकते हो, आराम से अपना चिल मार सकते हो, और वो आपका टाइम इसमें काउंट भी नहीं होगा। तो हम भी वहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत चेकआउट करेंगे उसको। तो गाइस ये डल झील का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है, यहाँ पे कई सारी मूवीज़ का शूट भी हुआ, जैसे आरजू, और कौन कौन सी मूवीज़ थी भैया? जब जब फूल खिले, कश्मीर की गली, दो बदन, आरजू। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है, और यहाँ पे विंटर में पूरा फ्रोज हो जाता है, जैसे बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, स्केटिंग भी करते हैं, बाइसिकल राइडिंग भी करते हैं। और यहाँ पे पानी काफ़ी साफ़ है, और ये इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है, और देखने में भी काफ़ी सही लग रहा है, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो हम अभी और आगे चलते हैं और आगे और एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं रेस्टोरेंट टाइप में,
मैगी, पास्ता, कॉफ़ी, चाय, शेक्स वगैरह आप पी सकते हो। तो ये बोट के अंदर ही है फ्लोटिंग, आप जाओ, आप बोट लगाओ, यहाँ पे खाओ पियो। तो जैसे अभी शाम का टाइम हो रहा है तो आप चिल कर सकते हो बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ का जो मार्केट है, मेन मार्केट मीना बाज़ार आता है, और जो फ्लोटिंग मार्केट है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो हम यहाँ से थोड़े बहुत कॉफ़ी वगैरह पी के ट्राई करते हैं यहाँ पे कैसा है। गाइस, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डल लेक, ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये घर है। एक्चुअल में यहाँ 1 से 1.5 लाख की पॉपुलेशन रहती है इस यहाँ पे आइलैंड है, इस आइलैंड के पीछे, जो कि विंटर्स में ये लोग पूरा लेक फ्रीज हो जाता है। जैसे अभी देख रहे हो कितना अच्छा है मौसम है, सब कुछ है, लेक फ्रीज हो जाता है। ये फिर 2 से 2.5 महीने अपने घर के अंदर ही रहते हैं, अपना जो भी शॉल का काम है, जो भी काम होता है, वुलन वाला काम होता है, सब करते हैं, उसको फिर समर्स में लोग बेचते हैं। तो काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव राइड हो रही है, भैया हमें बहुत चीज़ें बता रहे हैं धीरे धीरे। और ये देखो कुछ लोग लाइफ को फुल इन्जॉय कर रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी के साथ। ये देखो अभी यहाँ पे यार शाम थोड़ी बहुत लेट होती है, भैया कह रहे 7:30-8 बजे तक धूप जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं वेजिटेबल मार्केट की, वेजिटेबल मार्केट तो सुबह लगती है, जो मेन मार्केट है मीना बाज़ार, उस साइड जा रहे हैं हम, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। सो गाइस, अभी हम जहाँ एंटर कर रहे हैं, यहाँ की फ्लोटिंग मार्केट है, एक साथ 3-3, 4-4 शॉप्स कनेक्टेड होती हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। अभी शायद धूप है, ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, बट देखो पीछे शॉप है। अब अपने बोर्ड से जाओ बगल, जैसे ये देखो सामने आर्ट्स एम्पोरियम, शॉल्स, पश्मीना शॉल्स वगैरह मिल रही है ऐसी, सामने पूरा ये फुल्ली क्रोन मार्केट है। आप अपने शिकारा बैठो, आप जा सकते हो, खरीद सकते हो, जाके अंदर अंदर घूम सकते हो, दोबारा अपने शिकारा पे आ सकते हो। काफ़ी इनोवेटिव चीज़ लगी मुझे, देखने में भी काफ़ी सेक्सी है। हम भी जाएंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या क्या है लेने को। ये देखो गाइस, यहाँ पे अच्छा खासा सनसेट हो गया, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी एंड अब वापस हम जा रहे हैं अपने हाउस बोट की तरफ। काफ़ी अच्छा माहौल है, अब राइड करना है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और एक भैया ने बताया कि जो घास है ये मूव करती है जब यहाँ पे पानी कम होता है, तो यहाँ सब कुछ फ्लोट करता है या तो मूव करता है। सनसेट काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो मार्केट देख सकते हो, हैंडलूम एम्पोरियम, कश्मीर हैंडलूम एम्पोरियम, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सब कुछ जो आपको मिलेगा। सब लोग देखो बोट राइड इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी सही है यार, मतलब काफ़ी यूनिक चीज़ है, काफ़ी मज़ा आया श्रीनगर में ये चीज़ एक्सपीरियंस करके मुझे। अभी हम जाएंगे सीधा अपने हाउस बोट पर। तो गाइस, दिस इज़ कॉल्ड मीना बाज़ार, वो फ्लोटिंग मार्केट थी, ये कॉन्क्रीट पे बने हुए हैं, दो दो मंजिल, दो दो फ्लोर पर है, सेम चीज़ें मिलती है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, आप वहाँ से भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट आइटम सेम मिलेगी, वही है सब कुछ। ये देखो, गुड मॉर्निंग गाइस, day 9 एंड हम फाइनली आज निकल गए हैं दिल्ली के लिए। तो श्रीनगर में हमने शिकारा में किया था, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था हमारा, सो आई विल रिकमेंड कि बुक मत ही करना, कतई बेकार किस्म के इंसान थे वो लोग। एंड यहाँ से हम निकले हैं सीधा दिल्ली के लिए, हमने रास्ता दिखा रहा है 15 घंटे 32 मिनट। तो हमने सोचा है कि आज के आज इसको तय कर लेंगे। तो रास्ते वस्ते जो थे सारे इंपॉर्टेंट, वो तो आ चुके हैं, सब जा चुके हैं, इतना कुछ अब रास्ते में देखने को मिलेगा ही नहीं। डायरेक्ट सीधा हाईवे होता है, नेशनल हाईवे जो होते हैं वो पकड़ के सीधा चलते चलो, कुछ रास्ते में आता है तो मैं तुमको दिखाऊंगा। बट अब 15.5 घंटे की जर्नी है, हम 7 बजे निकले हैं, देखते हैं हम दिल्ली कब तक टच डाउन कर सकते हैं। एंड बाकी डिटेल्स में कुछ पीछे मिलता है, हम कहीं रुकते हैं तो मैं देता रहूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, फाइनली अभी हम कुरुक्षेत्र में हैं, हम निकले थे श्रीनगर से सुबह के 6:30 से 7 बजे एंड हमने बिना रुके काफ़ी लंबा रास्ता नाप लिया, रास्ते बहुत स्मूथ थे, तो हम फटाफट कुरुक्षेत्र रुके। यहाँ से 3 घंटे में दिल्ली जहाँ से हम चले थे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तभी हम बस यहाँ रुके थे, थोड़ा बहुत खाने पीने में कुछ खाया नहीं था। ट्रिप काफ़ी सक्सेसफुल रही, काफ़ी अच्छी थी, टोटल 9 दिन की ट्रिप थी। दिल्ली से निकले ले मनाली हाईवे को लेते हुए, हम पहले सरचू गए, पहले मनाली गए, फिर सरचू गए, वहाँ से हम ले गए लद्दाख घूमे, फिर वहाँ से निकल के हमने श्रीनगर वाला हाईवे लिया, पहले हम कारगिल रुके, फिर हम रुके आपके श्रीनगर, फिर श्रीनगर से आज हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं। तो हमने टोटल 2,500 किलोमीटर गाड़ी चलाई अपनी, एंड आपका जो टोटल ट्रिप का कॉस्ट है वो 30,000-35,000 का बैठेगा पर पर्सन। हम 3 बंदे थे, मतलब डिपेंड करता है, इससे कम का भी बैठ सकता है कि आप कौन से होटल में रह रहे हो, आप क्या खा रहे हो उसके हिसाब से। बट हमने मोस्टली होटल्स की बुकिंग कराई थी किसी के थ्रू, थर्ड पर्सन के थ्रू, तो आप खुद से बुक करके आप कब थोड़ा कॉस्ट सेव कर सकते हो एंड आपका खाने पीने का मील्स का खर्चा थोड़ा सेव कर सकते हो। बट अप्रॉक्स 30,000 तो कर ही सकते हो, अगर आप रोड से नहीं आते हो तो आप सीधा बाई फ्लाइट आ सकते हो, जिसकी पर पर्सन कॉस्टिंग अगर पहले बुक कर लेते हो तो 10,000 से कम पड़ती है रिट टू एंड फ्रो, अदरवाइज इट कैन गो अप टू 15,000-16,000 दोनों साइड से।
फिर आपके होटल्स वगैरह जो भी, तो वही पड़ता आपको 30,000 का। उसके अलावा अभी इस टाइम पर जाते हो जून जुलाई में तो गर्मी है, बस पैंगोंग में ठंडी पड़ेगी, तो विंटर स्वेट लेके जाना, वहाँ पे ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस होता है, तो दवाई वगैरह लेके जाना ताकि थोड़ा सेफ रहना। तो ये सारी डिटेल्स थी नॉर्दर्न की मेरी लेह से दिल्ली टू लेह एंड देन वापस लेह टू दिल्ली की ट्रिप की। तुम बताओ तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, एंड अगर तुम कब प्लान कर रहे हो ये ट्रिप अपने दोस्तों के साथ, बहुत ऑसम जगह यार, आई विल एडवाइस कि पक्का जाना। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, सारी डिटेल्स मैंने डाल रखी है, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ऊपर कहीं मेरा हैंडल आ रहा होगा, सो प्लीज़ फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। इसी के साथ जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। सी यू सून गाइज़।